हेलो फ्रेंड्स, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और देखिए, आज की सुबह मैं फिर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। और क्या लेकर के आई हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जिसका हमें बड़ा इंतज़ार था। ये है दिल्ली की बारिश। और कल रात भर, आपको बता दूँ, रात भर मज़ेदार बारिश हुई है। और देखो, पौधे भी बेचारे खुश हो गए, इतना ये भी बेचारे तड़प रहे थे गर्मी से। और अब बारिश हो गई है और बड़ा मज़ा आ रहा है भीगने का, इंजॉय करने का बारिश को लेके। मुझे लगता है कि सारे दुनिया इस वक्त इंजॉय करती है। आप लोग शायद मेरे इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग जिस गर्मी से गुजर रहे थे ना, हम बस गुजर ही जाने वाले थे। तो बस उससे पहले बस भगवान जी ने कर दिया ये बारिश। तो प्लीज़ हमारी भावनाओं को समझिए कि हम इतना एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्यों इतनी बारिश को दिखा रहे हैं। और बारिश का दिन है और आज का व्लॉग देखो अब क्या बन पाता है। आज घर में सब बनना चाहिए अच्छा सही। कल का संडे था दिन और हमारा इतना गंदा गया ना संडे का दिन, मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, अभी सब अच्छा हो रहा है तो कुछ गंदी बातें नहीं करूँगी, पर जो गंदा गया है ना कल का दिन, क्या हुआ कल हमारे साथ, कल इनके साथ क्या हुआ, वो बाद में ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो फिलहाल तो इन्जॉय करते हैं बारिश का ये भीगा भीगा दिन और मज़े में इन्जॉय करेंगे। आज तो कुछ मज़ेदार होना चाहिए खाने पीने का दिन, देखते हैं क्या होता है। नीचे से आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है कुछ है नीचे भी चलना चाहिए। और ये देखो, ये आ गई है हमारी प्यारी सी सीमा। हैप्पी रेनी डे, हैप्पी मॉनसून, ये ठंडा ठंडा हो रहा है आज, कुछ नहीं हो रहा, मजा आएगा भीगने में। यहाँ पे खड़ी हो जाओ, नहीं भीगेगी। साइड किया कि कुछ अच्छा सा बढ़िया सा नाश्ता करने का मन है। और हस्बैंड को बोला कि भाई प्लीज आज तो आप, उन्होंने कहा अभी तो कुछ काम हो नहीं रहा पा रहा है यहाँ बारिश की वजह से, तो ऑफिस पास में मैंने कहा फिर थोड़ी देर के लिए घर आ जाओ, अच्छा सा बढ़िया सा नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर देखेंगे काम का क्या है। काम कहाँ जा रहा है जी, बारिश रोज नहीं होती, काम तो रोज ही होता है। तो आज तो बस हम बारिश एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए नाश्ता करते हैं, नाश्ता बन गया, आइए आप लोग भी हमारे साथ। चल 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 चल, आ जाओ, गर्मा गर्म नाश्ता करेंगे, आ जाओ। अरे हाँ, आपको दिखाती हूँ मेरे भाई का गार्डन, क्या मस्त गार्डन है, आप देखोगे ना क्या टकाटक है, दिखाती हूँ। और ये देखो, ये मेरे भाई का छोटा सा प्यारा सा गार्डन है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे पता नहीं क्या बैंगन बूंगन क्या क्या लगा रखा है इसमें। ये देखो, ये कड़ी पत्ता वगैरह और ये गुलाब शुलाब लगा रखे हैं और ऊपर भी कुछ लगा रखे हैं कुछ पौधे, ये सेम वेम और पता नहीं क्या क्या है। और यहाँ भी लगा रखा है ये, और ये मिर्ची विर्ची यहाँ पे, लाल लाल मिर्चियाँ भी दिख रही हैं यहाँ लगी हुई, गुलाब गुलाब के भी लगे हुए हैं ये। तो ये सब है जी। तो चलिए चलते हैं नीचे और करते हैं नाश्ता गर्मा गर्म। चलो चलो, कम कम, नाश्ता टाइम, नाश्ता टाइम। और बाहर की झमझमाती हुई बारिश बाहर, और घर के अंदर देखिए क्या टेबल पे गर्मा गर्म माहौल। ये गर्मा गर्म छोले विद भटूरे और साथ में रखी है गर्मा गर्म चाय, वाह और क्या चाहिए। तो बाहर है मौसम ठंडा ठंडा, अंदर का मौसम गर्मा गर्म। एंजॉय द पार्टी गाइस, इट्स पार्टी टाइम। तो दोस्तों, ये देखिए मेरे घर के पीछे का पार्क जो है, पार्क पूरे तरीके से नदी बन चुका है। देखिए पूरा पार्क इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न है, आप देख रहे हैं कितना पानी है यहाँ पे, कितना ज्यादा। जहां तक भी देखेंगे पार्क में आपको पानी ही पानी नजर आएगा, कहीं पे भी मिट्टी नजर नहीं आएगी। किट्टो चलो चलो, अब चलो खाना वाना हो गया, चलो अपने कमरे में बैठो, मुझे खाना खाना है। चलो उठो 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 उठो, उठेगा कि नहीं, उठेगा कि नहीं, उठेगा कि नहीं, उठेगा कि नहीं, पहले बता उठेगा कि नहीं, उठेगा कि नहीं, नहीं उठना, नहीं उठना, लाड लाड हो रहा, लाड 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 हो रहा, लाड हो रहा, लाड। चलो मैं खाना खाऊंगी बाबू, तो चलो। अरे हीट, ये क्या हो रहा है किट्टू, किट्टू चलो आओ, क्या आया हूँ, आया हूँ, आया हूँ, क्या आया हूँ, आया हूँ। अरे मुंह फेर के नहीं जाना, नहीं जाना मेरे बाबू को, नहीं जाना मेरे बाबू को, नहीं जाना। अच्छा ठीक है, मत जाओ, यहीं पे बैठो, तुम यहीं नहीं निकलो, मेरे पास ही रहो। अच्छा ओके ओके, मेरा
मैं लेके आती हूँ ऊपर। हाँ आराम से जाओ, कुछ नहीं है इसके में। वेरी गुड, आराम से जाओ। हमारा भी तो एकदम से धगा ऐसा कर दिया पापा। तो फ्रेंड्स देखा आपने, मॉनसून की अगुवाई शुरू हुई रही कि हमारे घर में अनवांटेड गेस्ट आना शुरू हो गए। आज ये जो सांप निकला हमारे घर में, इसको देख करके बस हम सबकी तो हवाइयाँ उड़ गई थी। और ये जो घर के दो जेंट्स हैं, यानी कि मेरा भाई और ये मेरा जो पति देव है, इनको तो बड़ी खुशी हो गई थी। पहले तो थोड़ा डर गए थे ये भी, लेकिन इनको बड़ी खुशी हो गई थी। क्यों, शिकारी लोग ना, शिकार मिल गया शिकार। एनीवेज जो भी हो, अच्छा हुआ ये लोग थे तो इन्होंने इस चीज़ को निपटा लिया। मुझे नहीं पता कि वो जहरीला था या नहीं था, मुझे तो बस इतनी खुशी है कि उससे हमें छुटकारा मिला। मारना तो पड़ा ही भाई उसको, क्योंकि अब कौन कटवा के देखेगा उससे जहरीले हो कि नहीं हो भाई साहब तुम। तो जी बस उसको ख़त्म, जब वो हो गया फिर उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया अच्छे से। अब अंतिम संस्कार करने के बाद अब जो है हम लोग थोड़ी देर के बाद जो है अब सब लोग मतलब टेंशन फ्री हुए हैं आराम से। वैसे टेंशन तो रहेगी, इतना वो था, अच्छे खासे हिल गए थे हम लोग। तो चलिए जी, इसी बात पर अब मैं डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ खास। तो आप देख रहे हैं मेरा ये सूट, जी हाँ ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो ड्रेस है मेरी, मेरा ये कलीदार सूट, इसे मैंने खुद स्टिच किया है। और ये सूट जो है आप देखिए, इसके अंदर जो ये छोटे छोटे पैचेस लगे हुए हैं, ये मैंने एक नेक पीस लिया था, एक नेक का पैच लिया था, उसके साथ आए थे ये। तो वो नेक वाला पीस तो मैंने दूसरे सूट में यूज़ कर लिया था, ये बचे हुए रखे थे तो मुझे अच्छे लगे, मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा लिया। देखिए अच्छा लग रहा है ना। और इसी के साथ ये देखिए नीचे की तरफ काफ़ी घेरदार सूट बनाई है। और ये देखिए इसमें नीचे की तरफ ये आप देख रहे हैं पर्पल कलर का, ये जो मैंने लगाया है ना, ये है एक साड़ी का फॉल, ये भी एक्स्ट्रा रखा हुआ था मेरे पास तो मैंने उसे भी सूट पे लगा दिया। और उसी के साथ ये देखिए थोड़ा सा ये था मेरे पास, तो ये जो लेस थी मेरे पास सिल्वर कलर की, ये भी मैंने लगा दी यहाँ पे, गले में पाइपिंग लगा दी और मेरा कलीदार सूट हो गया रेडी। तो जी मैं तो अब आपके सामने है मेरा सूट, इसे अच्छे से देखिए और प्लीज मुझे बताइए आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और जो भी कमी खोटियां हो वो भी बताइएगा ताकि और ज्यादा इम्प्रूव मैं से कर सकूं। तो जी बस आज का ये ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। अब आपकी बारी है, अच्छे से आराम से बैठ के आपने ब्लॉग एंजॉय कर लिया है तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और लाइक के साथ साथ प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स में, हर एक में। और उसी के साथ जो नए लोग आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बटन को पीट के ठोक करके ग्रे कर दीजिएगा। और उसके साथ ही जो बना हुआ है बेल आइकन को भी अच्छे से ताबड़तोड़ प्रेस कर दीजिए, ऑल के ऊपर सेट कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए मैं तो बोल बोल के अब बहुत थक गई हूँ, पानी पीऊँगी अब। आपने एंजॉय कर लिया, अब मैं करती हूँ रेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंजॉय द मॉनसून। तो जी सूट है कुछ ये इस प्रकार का, कलीदार सूट बनाया है ये देखिए, दोनों तरह से इसकी काफ़ी अच्छी जो है इसमें घेर आया है, बहुत ज़्यादा घेर आया है इसके अंदर। और चूड़ीदार जो है मैंने इसकी स्लीव्स रखी हैं। तो कैसा लग रहा है आपको?